तो थोड़ा और ज्यादा मजा आता है क्योंकि सब लोग पहले क्रिकेट खेलते थे, तो अभी उनको वापस चांस दिया है एसीबी ने, दिलीप भैया ने खेलने का, तो आई थिंक सब लोग बहुत खुश होते हैं और मजा आता है। आई थिंक हर काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक अच्छे लेवल पे अचीव करने के लिए, सो आई थिंक ये टूर्नामेंट काफ़ी अच्छे लेवल पे है, काफ़ी अच्छे तरीके से खेला जाता है, तो काफ़ी मज़ा आता है। और एक्टिंग में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना हम ग्राउंड में करते हैं, यहाँ पे भी धूप में, और कभी शूटिंग भी धूप में होती है कभी कभी, सो या आई थिंक एक ही बराबर है दोनों की मेहनत, कोई भी काम हो मेहनत तो करनी पड़ती है। स्ट्रैटेजी बहुत ही छोटा गेम होता है 10 ओवर का, सो स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम इतना होता नहीं है, बट यही है कि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो बोर्ड पे और बॉलिंग अच्छी करें हम। सब लोग ही अच्छे प्लेयर्स हैं, हर उसमें टीम में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, सब लोग क्रिकेट खेले हुए हैं पहले, सो आई थिंक कॉम्पिटिशन बराबर का है, तो जो फील्ड पर उस दिन अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। थैंक यू बोलना चाहूँगा यही कि मेहनत रंग ला रही है सबकी, डायरेक्टर की, पूरी यूनिट की, एक्टर्स की, शो काफ़ी पसंद आ रहा है, और डांट भी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और मेहनत कर और फिर वो और ज़्यादा मेहनत हो रही है उस चीज़ से ताकि हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो या थैंक यू सो मच टू ऑल माई फैंस एंड टू नागिन फैंस एंड क्रिकेट फैंस के सब क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए, शो को सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे को सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। शादी है कोई नहीं, फिर से हो जाएगी तो कोशिश रहेगी कि वापस से मुझसे वो प्यार करे और मुझसे शादी करे, तो या मेरा प्यार है इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। अभी वो तो जब आएगा तब की तब देखेंगे, बाकी देखते हैं, बाकी जैसे भी जब वो आएगा रिएक्शन क्या होगा घर वालों का वो आपको देखना पड़ेगा सैटरडे संडे। थैंक यू।